मुंबई से सटे नाला चोपारा में दो समूहों के बीच जमकर हुई तलवारबाजी। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तलवारबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो किसी ने इमारत की बालकनी से बनाई है। हैरानी इस बात से है कि तलवारबाजी के दौरान इलाके में लोग मूक दर्शक बनकर वीडियो बनाते रहे। ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली हैं। जो मुंबई से सटे नाला सोपारा के प्रगति नगर इलाके में आपसी झगड़े में दो समूह आमने सामने आ गए और तलवारबाजी की घटना सामने आई। घटना 29 जून की है। आपसी झगड़े में एक पक्ष के लोगों ने तलवार से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस हमले में तलवार से प्रणय मिश्रा नाम का शख्स घायल हो गया, जिसके सिर में तलवार लगी और वो जगह पर ही जमीन पर गिर गया। इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद भी उसे लात घूंसों से मारा गया। इस घटनाक्रम के बाद तुलिंज पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां युवक की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। दरअसल जो युवक घायल हुआ है वो दोस्तों को कुछ युवकों के बीच विवाद होता देख छुड़ाने गया था, मगर तभी उस पर तलवार से वार कर दिया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ ये लोग हाथों में तलवार लिए गलियों में घूम रहे हैं और इन्हें कानून का कोई डर नहीं है। मगर वहीं तुलिंज पुलिस ने इस घटना में चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और एक पप्पू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। इन चार लोगों पर आर्म्स एक्ट और धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की इलाके में काफ़ी दहशत है, जिस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और जेल की हवा भी खा चुका है। फरार आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।